हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। तो आज की क्लास ना एकदम रामबाण है और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ लाइनें। न तकलीफ न संघर्ष, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपको भी वही अपने सीने में एक आग जलाना होगा। हम कह रहे हैं कि भाई आग नहीं, ज्वालामुखी जलाओ तभी कुछ होगा, क्योंकि हर किसी का सपना है कि 90 प्लस फोड़ना है और उसमें भाई हम आपके लिए दिलो जान से लगे हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण केमिस्ट्री के 75 महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक, आज के इस वीडियो में बच्चों जो भी हम 75 टॉपिक देखेंगे, यूं समझिएगा कि भाई ये 75 जो टॉपिक है ना, बोर्ड एग्जाम में आपको 90 प्लस दिलाने में भाई बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई हमने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार किया है। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं रसगुल्लों, यकीनन आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम मस्त हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं भाई कौन कौन से टॉपिक हैं। और आपके पास जो भी भाई बुक है या फिर क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का है, नहीं भी है नया आ जाएगा बस एक दो महीने के अंदर ही, तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से उतार लेना है। ठीक, फिर आप टिक कर लीजिएगा, बाकी सब तो भाई हम करवाएंगे ही, ठीक है ना। चलिए, टॉपिक कौन है? सबसे पहला है भैया मोलरता। मोलरता अगर हम देखें, फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, जो मोलरता पूछता है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए दो नंबर में, और सूत्र भी लिखना होता है। तो भाई क्या होता है, डब्ल्यू ठीक बाई एम इंटू यहां पे वी होता है एमएल में, ठीक, और गुणे का क्या होता है भैया 1000। तो ये हो जाता है मोलरता के लिए फार्मूला, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हो जाएगा। दूसरा मोललता, मोललता में भैया एम डैश आप दर्शा सकते हैं इस्तेमाल में, ये भी होता है डब्ल्यू बाई यहाँ पे एम हो जाएगा इनटू, ये कैपिटल डब्ल्यू हो जाता है ग्राम में, ठीक, और गुणे 1000, ठीक। ये हो जाता है मोललता के लिए, जहां डब्ल्यू क्या है, भार है विलेय का, अणु भार है, ये क्या है आयतन है, यहाँ पे ये विलायक का भार है। नेक्स्ट है कि भैया मोल प्रभाज या मोल अंश, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोल अंश या फिर मोल प्रभास कह लें, ठीक, मोल अंश या फिर मोल प्रभास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें अगर हम बात करें भाई, इसमें फार्मूला अगर हम जैसे किसी ए का मान लेते हैं कि ए का मोल अंश अगर निकालना हो तो ऐसे लिखते हैं, ठीक, ए के मोलों की संख्या और नीचे क्या रहेगा एन ए प्लस एन बी, यानी दोनों के मोलों की संख्या। जैसे बी का निकालना है, ठीक, काई भी बढ़िए या एक्स भी कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे बी के मोलों की संख्या और नीचे क्या हो जाएगा भाई ए और बी के मोलों की संख्या। इस तरह से मोल अंश या मोल प्रभास निकालते हैं। तो तीसरा टॉपिक ये हो जाएगा। चौथा टॉपिक बात करें भैया वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट राउल्ट का नियम क्या है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूरे बच्चों चार नंबर में, ज्यादातर चार में ही पूछता है, कभी कभार ऐसे केसेस में हो जाएगा तीन नंबर में दिखाई पड़ेगा, नहीं तो जनरली ये क्या है चार नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक, चार नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है भैया, याद रखना। और इसमें अगर हम बात करें तो राउल्ट का नियम क्या होता है भाई, ये होता है पी नॉट अपॉन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, यही चीज होता है एन अपॉन ये एन प्लस कैपिटल में एन, ये हो जाता है, ठीक, क्योंकि वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मूल प्रभास के बराबर होता है, यही क्या बोलता है राउल्ट का नियम कहता है, ठीक। तो ये कुछ टॉपिक हो जाएंगे भैया। अब चलिए देखते हैं बच्चों आगे, अगला टॉपिक है कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन, या फिर इसको डेल्टा टी बी बराबर लिखते हैं, तो ये फार्मूला हो जाता है 1000 गुड़े के वी गुड़े स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुड़े, यहाँ पे क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक, उन्नयन यानी वृद्धि। और अगला है हिमांक में अवनमन, तो इसको डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं भाई, तो ये हो जाता है 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू,
ठीक, ये चीज हो जाता है। तो हिमांक में अवनमन, तो ये वाला टॉपिक। आठवां है परासरण दाब, यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। परासरण दाब क्या होता है? तो भाई इसको पाई वी बराबर, पाई वी बराबर क्या होता है, ये होता है आपका, हाँ अगर हम बात करें एनआरटी, पाई वी बराबर एनआरटी, या ऐसे लिखा रहता है भैया पाई, पाई बराबर सीआरटी, ऐसे ठीक। तो ये एक ही होता है। नेक्स्ट है वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं, ये की बार नया ऐड हुआ है, यानी पिछले साल भी था, तो वांट हाफ गुणांक ये टॉपिक, तो ये भी भाई इसके पूछे जाने की संभावना कुछ ज्यादा ही है बच्चों, क्योंकि नया टॉपिक है। अगला है हेनरी का नियम, जिसमें क्या होता है कि भाई किसी भी गैस की जो विलेयता होती है द्रव में, वो क्या होता है कि वाष्प, मतलब अगर हम कह लें कि वाष्प जो होता है ना कि भैया दाब के समानुपाती होती है। आगे अगर इसको हटाते हैं, यानी इसको हटाते हैं, तो यूं कह सकते हैं एम बराबर के एच होता है इंटू पी, ठीक, ये हेनरी का नियम होता है। तो ये ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करते चलना बच्चों, क्योंकि भाई ये देखिए हमने फार्मूला ऐसे लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, बाकी ये टॉपिक आपको तैयार करना है, क्लियर। चलिए बच्चों अगला देखते हैं भैया, अगला टॉपिक है 11 नंबर के मोलर चालकता किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, डेल्टा एम से लिखते हैं, ठीक। फार्मूला होता है कि भैया के गुणे के, यानी विशेष चालकत्व है, के गुणे 1000, इसको कप्पा बोलते हैं, अपान नीचे क्या रहेगा मोलरता, ठीक, मोलर चालकता। नेक्स्ट है तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, तो ये होता है लेमडा इक्यू, यानी इक्विवेलेंट, ठीक, बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 अपान नीचे क्या होता है नॉर्मलता होता है, ठीक है ये चीज। और 13 नंबर है कोलराउस का नियम, काफी इंपोर्टेंट होता है भाई कोलराउस का नियम, इसमें भी बताया था कि भाई जैसे होता है अनंत अंतर पर किसी वैद्युत अवघट की जो मोलर चालकता होती है भैया, उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के, ठीक, धनायन तथा ऋणायन के मतलब चालकताओं के योग के बराबर होता है, यही तो होता है ना, तो ये होता है कोलराउस का नियम, ठीक है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों 3 नंबर में। नेक्स्ट है भैया कि फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम, तो फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम है, ठीक है, फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव भी कभी कभार पूछ लेता है, बट ज्यादातर केसेस में मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा पूछता है, बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो भैया है, ये 16 है, यानी 16वां टॉपिक है, वो है नेरनस्ट समीकरण। तो भाई नेरनस्ट समीकरण, तो ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया नेरनस्ट समीकरण, जो होता है क्या होता है भैया, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ होता है, और उसके बाद यहां पे क्या हो जाता है भैया, लॉग ये 1 अपान ये एम एन, यानी धातु पे क्या होता है आयन, एम ये एन प्लस में होता है, ठीक, ये हो जाता है नेरनस्ट समीकरण, ठीक है ना, नेरनस्ट समीकरण हो जाता है। अगला है सीसा संचायक सेल कि पूरा मतलब इसका सचित्र वर्णन करना होता है, इसकी मतलब सेल के अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, ये सारी चीजें, ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ईंधन सेल क्या होता है, ये सारे टॉपिक बच्चों नए जुड़े हैं, इसलिए 100% भैया आएंगे, क्लियर, ठीक है, ये सब नया जुड़ा है तो याद रखना। अगला है कि संक्षारण किसे कहा जाता है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 20 है, अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, ठीक, तो ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो भैया इसको हम मोस्ट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्योंकि ये बबुआ हर साल 4 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है, पहले भी आपको बताया था भैया ये डेरिवेशन है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी के बराबर एक्स अपॉन टी, ये जो डेरिवेशन होता है बच्चों, हालांकि ये सब करवा चुका है भैया, हमने करवा दिया ऑलरेडी, जितने टॉपिक हम पिछला देख रहे हैं सब करवाया है भैया, आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहां से आप पूरा का पूरा ये मिल जाएगा सबको आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो भैया ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक, ये भी चार नंबर का ही टॉपिक है। और इसमें जो होता है ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है चार नंबर में। तो इसमें जो फार्मूला होता है कि भैया के बराबर क्या होता है बच्चों, 2.303 बटे यहाँ पे टी होता है, फिर लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। तो ये डेरिवेशन, ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक यानी इसका डेरिवेशन। तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में क्या अंतर है, बताया है भैया कोटि तथा आणविकता में, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। क्लियर। अगला है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और संक्रमण तत्व के लक्षण क्या हैं। तो भैया इसको भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे बच्चों, क्योंकि ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जनरली तीन नंबर में पूछा जाता है या फिर कभी कभार दो नंबर में बन जाता है, नहीं तो ज्यादातर तीन नंबर में। नेक्स्ट है कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है तथा इनके लक्षण, बट ज्यादा बच्चों आपका यही संक्रमण तत्व कहेगा या फिर संक्रमण तत्व न बोल के ये बोल देगा भाई कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है, क्या बोलेगा डी ब्लॉक। अब इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कर ना करके इसको एफ ब्लॉक बोल देगा कि एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और इनके लक्षण क्या है। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए स्क्रीन शॉट करते चलिएगा भाई, क्योंकि इतना ज्यादा मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए भाई, हम ही जानते हैं। ठीक, देखने में लगेगा अरे कुछ नए टॉपिक ही तो लिखा है, लेकिन भाई कहां से ढूंढा कैसे किया वो हम ही जानते हैं। अगला है कि लैंथेनाइड संकुचन या फिर आकुंचन बोलता है, ठीक, किसे कहा जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते बट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार। तो भैया इसको तो ये तो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सीरीज में रखेंगे, लिगेंड किसे कहा जाता है। लिगेंड भैया बताया है बच्चों, आवेश के आधार पर भी लिगेंड बताया है। और अगर हम बात करें तो इसमें एक लिगेंड हो गया आवेश के आधार पर, और उसके बाद जो परमाणु की संख्या के आधार पर ना, एक दंतुर, दुई दंतुर, त्रि दंतुर, ये वाला, यानी दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट है भाई कि संयोजकता का वर्णर सिद्धांत, तो भाई इसको भी बताया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है बच्चों चार नंबर में, तो इसको भी अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसार संयोजन जो यौगिक होता है, यानी पांचवें चैप्टर का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट भैया संयोजकता का आबंध सिद्धांत, जिसको वीबीटी बोला जाता है, वैलेंसी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरम। ठीक, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी चार नंबर का टॉपिक है। क्लियर। अगला है कि हैलो एल्केन क्या है। देखिए अब सेकंड में अगर आएंगे भैया, तो सबसे ज्यादा बच्चों एक चीज ध्यान देना है, जो चैप्टर है नाम का, उसमें बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण सब में आता है। तो यहां पर हैलो एल्केन क्या है और इनका रासायनिक गुण लिखना है। तो भाई पूछ लेगा कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं, इसके निर्माण की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके दो रासायनिक गुण लिखिए, ऐसे बोल देगा। ठीक है, चलिए हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं कि हैलो एरिन तथा इसके रासायनिक गुण, भाई यानी हैलो एरिन क्या है और इसके रासायनिक गुण। ठीक, 32 नंबर क्या है, पॉली हैलोजन यौगिक क्या है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें भाई पूछता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करें जैसे कुछ प्रमुख है आपका, एक हो गया जैसे बोला जाता है भाई आइडोफार्म हो गया, और उसके बाद हम बात कर लें इसमें भैया तो डीडीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीडीटी क्या है। और इसके अलावा इसी में एक आता है कि भाई इसमें को क्या बोलते हैं, फ्रेयान, ठीक, फ्रेयान 12 के बारे में। तो ये कुछ मतलब इसके अंतर्गत, ये इसको बहु, मतलब हम जिसको बहु हैलोजन यौगिक बोल सकते हैं या फिर पॉली हैलोजन यौगिक कह सकते हैं। तो इनके बारे में ये पूछा जाता है कि भाई इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे पूछ लेगा डीडीटी का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। फ्रेयान 12 क्या है, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस टाइप से। ठीक है, 33 नंबर में क्लोरोफार्म के निर्माण की विधियां, तो भैया ये तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5 नंबर का टॉपिक होता है ये। नेक्स्ट है कि एल्कोहल क्या है, और एल्कोहल में पूछ लेगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। तो एल्कोहल में भाई सब आ जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा है। बोल देगा एल्कोहल क्या है, इसके निर्माण की विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, या फिर भाई कह देगा कि एल्कोहल के किसी दो रासायनिक गुणों को लिखिए। ठीक,
ऐसे कहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी बच्चों लॉन्ग में कभी कभार पूछ लेता है तीन नंबर में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर कहेंगे, ठीक। अगला है कि ल्यूकोज परीक्षण, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी भैया ल्यूकोज परीक्षण, या फिर कभी कभार ऐसे ही बोल देगा प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण कैसे करते हैं। तो भैया ल्यूकोज परीक्षण के द्वारा या ल्यूकोज अभिकर्मक के द्वारा ही एल्कोहल की पहचान होती है, ठीक, कि कौन सा एल्कोहल है, सब बताएंगे बच्चों, डोंट वरी, क्योंकि अब तो केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट खत्म ही हो गया है भाई, अब इसी की बारी है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, भाई आगे क्या है, 36 नंबर पे है फिनॉल तथा इसके रासायनिक गुण, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिनॉल के निर्माण की भाई जो प्रयोगशाला विधि हो जाएगा, ये आएगा तो बच्चों पांच में आता है, नहीं तो फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है ईथर क्या है और इसके रासायनिक गुण, हमने बताया ना सबके बनाने की विधियां, अब इसमें बनाने की विधि वगैरह सब इन्वॉल्व रहेगा। और अगला है कि डाई एथिल ईथर क्या है, तो भैया इसको तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, डाई एथिल ईथर के निर्माण की जो विधि है पांच नंबर में बच्चों ये प्रयोगशाला विधि पूछता है। अगला है भैया एल्डिहाइड क्या है और इसके रासायनिक गुण, यानी जो चैप्टर का नाम होता है वही पूरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको 100% तैयारी करनी पड़ेगी बच्चों, ऐसा नहीं कि भाई चलिए छोड़ देते हैं काम चलाओ, नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका एक मिनट कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों बेंजीएल्डिहाइड की बनाने की प्रयोगशाला विधि, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार पूछ लेता है। नेक्स्ट कीटोन क्या है और भाई इसके निर्माण की विधियां व रासायनिक समीकरण दे देगा, ठीक। और अगला है एसीटोन बनाने की विधि, तो इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, ये पांच नंबर में लॉन्ग वाले में पूछता है बच्चों, क्योंकि भैया पांच से सात सेट बनते हैं, यानी पांच से सात अगर क्वेश्चन पेपर बनेंगे तो किसी ना किसी में तो फेंक ही देगा ना, क्योंकि मुश्किल से आपके पूरे बुक में चार या पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली प्रयोगशाला विधियां हैं, सेट बनने हैं सात, तो देगा तो 100% देगा भैया, याद रखना। अगला है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण के किसी दो रासायनिक समीकरण को लिखिए, या फिर कहेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए, ठीक, इस तरह से क्वेश्चन करता है। चलिए हो गया, अगला देखते हैं, आगे है 46 नंबर में फार्मिक अम्ल बनाने की भी प्रयोगशाला विधि, फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं इसके प्रयोगशाला विधि, ये भी पांच नंबर वाले टॉपिक हैं ये सब। अगला है कि भाई टालिन अभिकर्मक क्या होता है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, टालिन अभिकर्मक क्या होता है। नेक्स्ट है फेहलिंग विलयन क्या है भैया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेहलिंग विलयन, ठीक है। अगला है एमीन क्या है, इसके निर्माण की विधियां या फिर इसके रासायनिक गुण, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है एथिल एमीन या एथेन एमीन कहेगा, तो ये भी बच्चों पांच नंबर में पूछा जाता है, ठीक, एथिल एमीन या एथेन एमीन, तो इसको भाई हम इंपॉर्टेंट लिख देंगे, तो इसको आप थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक, आई बात समझ में। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, लास्ट वाला जो चैप्टर है जैव अणु, इसमें से काफी मतलब काफी टॉपिक है, इसमें काफी टॉपिक है। पहला है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण, ठीक, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण लिखना होगा, जैसे इसमें कई भाई अगर पिछला वीडियो देखो तो हमने वन शॉट में एकदम पोस्टमार्टम कर दिया था, बट डोंट वरी, अब हमको अब की बार से मतलब है तो करवाएंगे भाई, ठीक, इसमें करवाएंगे, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, ठीक है। लेकिन हाँ इतना जरूर है भैया कि ये पांच नंबर वाला टॉपिक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। नेक्स्ट है कि भाई मॉलिस परीक्षण किसे कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। नेक्स्ट बच्चों की ग्लूकोज क्या है और इसके रासायनिक गुण लिखना है, ये भी आता है, तो पांच नंबर वाला है लॉन्ग में। अगला है भैया फ्रक्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, तो ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, यानी छोटे मोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, अब देखिएगा कि अमीनो अम्ल के बारे में पूछता है, अमीनो अम्ल क्या है, या नेक्स्ट है प्रोटीन, इसका महत्व तथा कार्य क्या है, तो ये बच्चों पांच नंबर में आता है, नहीं तो फिक्स है आपका एक शॉर्ट में तीन नंबर में देगा बच्चों, इसको हम मोस्ट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मानेंगे, क्योंकि हर साल पूछता है। अगला है भैया एंजाइम किसे कहा जाता है, या फिर कह लेगा हार्मोन्स क्या है,
तो ये तो फिलहाल छोटे छोटे टॉपिक है, दो चार लाइन वाले, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भाई विटामिन क्या है, इनके स्रोत तथा कमी से उत्पन्न रोग, या फिर इनका वर्गीकरण कह देगा, क्योंकि विटामिन दो प्रकार की, एक होता है जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील, तो उसको पूरा ग्राफ से समझना होगा। तो ये भी पूरा आता है तो पांच नंबर में आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आई बात समझ में? चलिए तो स्क्रीनशॉट करते चलिए। अब अगर हम देखें आगे तो अगला है कि भाई डीएनए की द्विकुंडली संरचना, क्योंकि ये पूरा समझो बायोलॉजी है, नाम ही है जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल, मतलब पूरा बायोलॉजी से रिलेट करता है। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना जिसको बोला जाता है वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत, ठीक, यानी उन्होंने ही दिया था ये द्विकुंडली संरचना का मतलब सिद्धांत। अगला है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, हर साल पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा था, उसके पिछले साल भी पूछा था, तो ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहां से शुरू होता है क्या चीज, जो प्रमुख अभिक्रियाएं हैं हर चैप्टर में, तो हमने इसको लास्ट में रखा है ताकि आपको भी भाई उतना ज्यादा प्रेशर ना हो हर चैप्टर में, क्योंकि सेकेंड में नेमिंग रिएक्शन है बहुत ज्यादा, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा आपको भाई फोकस किस पे करना है, और ये बच्चों 100% 10 नंबर या फिर 5 नंबर आपको देकर जाएंगे। तो भाई उनमें है, पहला है ऊर्जा अभिक्रिया, ठीक, बहुत ज्यादा पूछी जाती है भैया सब, और ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। अगला है हुंसडी अभिक्रिया, ठीक है, हुंसडीकर अभिक्रिया, ये सबके सब आपके जो हैलो एल्केन और हैलो एरिन वाले चैप्टर से हैं, ठीक है, हैलो एरिन लिख दे रहे हैं इसलिए ताकि आपको भाई अगर आप ढूंढना चाहें तो मिल जाए। तो हैलो एल्केन और हैलो एरिन जो चैप्टर है उस चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा, ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं भैया, इसी का आगे भी है ये हैलो फार्म अभिक्रिया, ये भी उसी चैप्टर का है, ठीक। और उसके बाद ये 67 नंबर पे है राइमर टीमन, या फिर इसको रीमर टीमन अभिक्रिया कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है विलियमसन संश्लेषण, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये तीन के तीनों ये आपके किस चैप्टर से हैं, तो ये है भैया एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल व ईथर वाले चैप्टर से, यानी इस चैप्टर में आपको ये रिएक्शन मिलेंगे, नेमिंग रिएक्शन। हालांकि हमने तो ऑलरेडी इस पे 3 से 4 वीडियो बनाया है, लेकिन हम अब की बार करवाएंगे भाई पिछले समय क्या मतलब है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है भैया, यहां पर देख लेते हैं, अगला है एल्डोल संघनन क्या है, तो ये तो अगले चैप्टर का है, ठीक, एल्डोल संघनन हो गया, स्क्रीनशॉट करते चलिए, एल्डोल संघनन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक, और क्लीमेंसन अपचयन, ये सब के सब मतलब पिछला हो गया, और ये दोनों ये आपके किस चैप्टर से हैं, तो ये है भैया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी पिछली एक अभिक्रिया जो थी कौन सी, मतलब यहां पर देख सकते हैं भाई ये वाले, ठीक, एल्डोल संघनन, ठीक, और यहां पर ये दो, ठीक। अगला है 73 नंबर पे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, किसे कहा जाता है, या फिर हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, या हाफमैन कहेगा, और नेक्स्ट है भैया स्मिट अभिक्रिया। तो ये तीनों अभिक्रियाएं भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके एमीन चैप्टर से हैं, ठीक, एमीन चैप्टर से हैं। तो ये पूरे बुक से 75 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको आपको हर हाल में तैयार करना पड़ेगा, मतलब काम नहीं चलेगा कि भाई आप अदर टॉपिक को मिस कर दो ना देखो काम चल जाएगा, बट अगर आपने इनमें से किसी एक टॉपिक को भी नहीं देखा तो भाई हाँ धोखा हो सकता है, क्योंकि अगर प्लस आपको भाई आपको 90 प्लस पढ़ना है तो इतने टॉपिक तो 100% तैयार करने ही होंगे, और हम हैं करवाने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, और अच्छे से इसको भी मार्क कर लेना, टिक कर लेना, बाद में ये सब आपको ज्यादा से ज्यादा रट्टा मारना है, चाहे लिख कर तैयार करें, चाहे जैसे भी कर सकते हैं आप,
मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।